हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आर न्यू पोयम ऑन किलिंग अ ट्री। लेट्स स्टार्ट दिस पोयम। कहते इट टेक मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जॉब ऑफ द नाइफ विल डू इट। इट हैज ग्रोन स्लोली, कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइट स्प्राउटिंग लीव्स। पोएट इस पोएम के अंदर कन्वे करता है कि इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। कहते हैं कि एक पेड़ को अगर मारना पड़ता है तो उसे बहुत समय लगता है। देखो, एक पेड़ होता है सपोज, तो उस पेड़ को अगर आप काटने लगते हो, पहले तो उसको काटने में बहुत टाइम लगता है। ओके, काट दिया, उसके बाद क्या रहता है? उसके अंदर लाइफ रहती है, वो गीला रहता है, ठीक है। उसको जड़ से उखाड़ना पड़ता है, उसके बाद वो जो है धूप में एक डालना पड़ता है, फिर वो ड्राई हो करके अपने आप डेड हो जाता है। अगर आप ऊपर से एक पेड़ को काट देते हो, अगर उसका रूट अभी भी वहीं पर है तो उसके अंदर से और पेड़ जो है दोबारा उग जाता है, लेकिन अगर आप रूट से ही उसे निकाल देते हो तो पेड़ वहाँ से कोई ग्रो नहीं करता। तो इसलिए बोल रहा है पोएट कि इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। कहते हैं एक पेड़ को मारने के लिए बहुत टाइम लगता है। नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। कहते हैं खाली एक अब नाइफ के साथ उसके ऊपर प्रहार करो, या एक नाइफ के साथ अगर उसको आप काटने की कोशिश करोगे तो उससे वो पॉसिबल नहीं है। पेड़ को काटना एक नाइफ के बस की बात नहीं है, आप नाइफ के साथ नहीं काट सकते उसको सिर्फ। इट हैज़ ग्रोन स्लोली, अब क्यों नहीं काट सकते हो? क्योंकि जो ट्री है वो बहुत सालों से अर्थ के अंदर तक उसने कंज्यूम किया है। अब कंज्यूम क्या किया है उसने? एयर, वाटर, सनलाइट, बहुत सालों तक उसने ऑब्जर्व किया है इन चीज़ों को, ठीक है। तो कहता है कि इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, क्योंकि पेड़ धीरे धीरे काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है पेड़ का, ट्री का बड़े होने का, ग्रो होने का। कहते हैं कि बहुत टाइम लगता है और उस, क्योंकि बहुत सालों तक धीरे धीरे उसने अर्थ को अपने अंदर कंज्यूम किया हुआ है और वो ऊपर उठता है। कैसे ऊपर उठता है? फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। कहता है कि एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर। कहता है कि बहुत सालों तक वह जो है सनलाइट, एयर और वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके वह पलता है और बड़ा होता है। कहता है कि एंड आउट ऑफ इट्स लेपर्स हाइट्स प्राउंटिंग लीव्स, और वो पानी को अपने अंदर सोखता रहता है, उसके बाद जो है कलरलेस जो चमड़े की पत्तियां जो होती है, चमड़े जैसी जो पत्तियां होती है उनकी, उनके जैसे वो धीरे धीरे खिलता है। चमड़ा इसलिए बोला है क्योंकि जो उसका कलर होता है ना उसकी वजह से बोला उसको, ठीक है। और सख्त होता है काफ़ी, ठीक है। तो जो कलरलेस होता है, जो छाल होती है उसकी, वो कलरलेस होती है। तो पेड़ को काटना एक आसान जॉब नहीं है। यहाँ पर एक्चुअली पोएट जो है एक पेड़ को ही नहीं, यहाँ पर बात करता है बुराई को, जो ईविल होती है, सोशल ईविल्स जो होती है उनको ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। उनको जड़ से निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक्चुअली पोएट ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चन यू कैन सी। Name the poem from which, name the poem is on killing a tree. Name the poet, how has a tree grown? What has a tree observed for years? And what has sprouted leaves in a tree? Do these questions in your notebook, students.